ये देखिए जी, अब हम दोस्ती रोटी का आटा गूंद रहे हैं। एक मैं कप डाल रही हूँ फाइन आटा और दो कप डाल रही हूँ मैं इसमें गंदम का आटा। ठीक है, दो चम्मच इसमें घी डालेंगे और एक चम्मच डालेंगे नमक। ठीक है, और इसका नरम सा आटा गूंद लेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे करके ना आटा ऐसे गूंदते हैं। मैं जो बिगनर्स हैं उनको बता रही हूँ, आटा को समेटते जाते हैं, पानी डालते जाते हैं समेटते जाते हैं। ये देखिए, जितना गीला था ना उसको समेट के एक साइड पे कर लें, ताकि आपको पता चले कि सूखा कितना बचा है और अब हमें कितने पानी की जरूरत है। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, खट्टा नहीं डालना चाहिए, अदरवाइज ये जो है आटा वो गीला हो जाएगा। अब ये देखिए, मैंने इसे थोड़ा सा चिल्लू से डाला है, अगर ऐसे डालती तो ये ज्यादा हो जाता। देखो, अब इसको भी समेट के इसके साथ कर दिया। अब मैं देखूंगी मजीद कितनी जरूरत है। ये देखिए, थोड़ा सा पानी छिड़का और अब इसको ऐसे करके समेट लिया। ठीक है ना, ये देखिए। अब इस वक्त आटे को जब सब समेट लें, तो समेटने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दिया करें। कोई बहुत ज्यादा मुक्की किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ समेटा आटे को और 5 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद जब हल्का पानी ऊपर लगा दिएगा ताकि ये ड्राई ना हो, 5 मिनट बाद जब हम इसे मुक्की मारेंगे तो ये बिल्कुल मलाई जैसा हो चुका होगा। ठीक है, ये देखें, बिल्कुल मलाई ऐसा आटा हो गया। अगर आप चाहें तो हल्का सा पानी लगा लें हाथ में तो गूंदते हुए। ये देखिए, ये देखो, बिल्कुल रखा मलाई ऐसा आटा। वही ज्यादा ना गूंदने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, आटा तैयार। अब हम इसकी बना रहे हैं दोस्ती रोटी। नॉर्मल रोटी में तो मैं नहीं डालती हूँ नमक और घी, लेकिन हम दोस्ती रोटी में डालते हैं। दोस्ती रोटी इतनी छोटी छोटी सी बनती है। ठीक है, मैं आपको इसके पेड़े काट लूं फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, हम दोस्ती रोटी बना रहे हैं। अब ये दो पेड़ा लेंगे। ये देखिए, एक पेड़े पे घी लगाएंगे, इस साइड पे भी लगाएंगे और इन दोनों को एक दूसरे पे कर देंगे। ठीक है, अब इसकी बनाएंगे हम रोटी। ये कहलाती है दोस्ती रोटी, या रुमाली रोटी भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, आप इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे। बहुत मजे की बनती है, मुझे तो खैर बहुत पसंद है और ये तो मेरी बचपन की बहुत सारी यादें हैं इससे। ये देखिए, तवे पे डाल दिया। ठीक है, एक कपड़ा रखेंगे हम साथ में जिससे इसको सेकते रहेंगे। थोड़ी सी हम बनाएंगे तवे की। ये देखिए, एक साइड पे कलर आ गया, पलट दिया। ये देखिए, यहाँ नजर आ रहा है आपको खाने। अभी इसको जब हम सेकेंगे ना तो ये फूल जाएगी, जब फूल जाएगी तो फिर इसके बाद इसको हम अलग कर लेंगे। ये देखिए, दो रोटी हो गई, ये दोस्ती रोटी तैयार हो गई। ये देखिए, दूसरी रोटी भी मिल गई, एक तैयार है, इसको भी तवे पे डाल देंगे। बस ढकते जाइएगा, अगर इसे ढकेंगे नहीं तो ये कड़क हो जाएगी। ये देखिए, इसको भी तवे पे डाल दिया मैंने, ये भी पड़ गई तवे पे जैसे होती है। और बनाते हैं, ये देखिए, मैंने एक दफा फिर आपको दिखा दूं, दो पेड़े लिए, इधर घी लगाया और इस साइड पे, दोनों साइड पे घी लगा दिया। ठीक है, पेड़े के घी लगा के इसी के ऊपर थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ठीक है, और इसको भेज दिया। ये बनती है दोस्ती रोटी इस तरह। ये देखें, ये सिक गई। ठीक है ना, दोनों साइड से हो गई यहीं पर। ये देखिए, अलग कर दिया, अलग हो गई। ये कहलाती है रुमाली रोटी, दोस्ती रोटी, आप जो उसका नाम दे। ठीक है, ये दो हो गए, इसे उठा के रखेंगे, ढक के रखेंगे ताकि ये नरम रहे। ये देखें, सारी दोस्ती रोटी बन के तैयार है। ये देखें, ये पतली है, बारीक है। ये देखें, हाथ में कैसे आ रही है, बिल्कुल सॉफ्ट। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी।
मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।